अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो। आजकल आप लोगों को पता है कि आप सब पे गेमिंग सवाल है कि हम बोरे हो गए हैं रातों रात। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, अभी मैं बता रही हूँ कि ना आपको पता है कि आजकल ना कितना ज़्यादा ना लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, वो कहती हैं कि हमारे रंग साफ़ हो जाए तो स्किन क्लियर हो जाए, ब्राइट कलर हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, मैं बना रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं ना इसकी ना वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी शायद काम आ सके। तो सबसे पहले मैंने के लिए गोल्डन फाइव क्रीम, जैसे इनकी भी किसी मार्केट में मिलती आपको मार्केट में मिल जाएगी तो बहुत ईजी मिल जाती है, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर जहाँ पर इसी मिल जाएगी। तो आजकल आपको पता है कि सब कुछ यही कि ना हम बस गोरे हो जाएँ, चाहे कि हमें कोई भी सा नुकसान हो या कुछ भी हो, पर हम गोरे हो जाएँ, बस यही है। पर ये क्रीम बिल्कुल बेटी नहीं है, इसका कोई भी नुकसान नहीं, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली घर में ही यूज़ की है और यूज़ करवाई भी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये इसकी ना वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं कोई भी आप लोगों से ऐसी वीडियो नहीं शेयर करूँगी जिसका कोई नुकसान हो या कोई साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने हैंड वाइटनिंग क्रीम और फीट वाइटनिंग क्रीम जो है वो उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप यकीन करें वो वीडियो में खुद पहले मैंने क्रीम यूज़ की, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसके बाद ही के वाइटनिंग के कैप्सूल है जो कि आपको इजीली कॉस्मेटिक की दुकान में जहाँ से आप क्रीम बाय करेंगे वहाँ पे मिल जाएंगे। तकरीबन एक जो वाइटनिंग का कैप्सूल है इसकी प्राइस आई थिंक 5 या 10 रुपीज़ है। अलग अलग रेट है, आपको पता है कि कोई दुकानदार किस रेट में देता है, कोई किस में, मुझे नहीं मालूम। तो पर मैंने जहाँ से परचेज़ किए थे वहाँ पे तकरीबन ये मेरे को 20 रुपीज़ में 4 मिले थे या पता नहीं 5 मिले थे, तो इस तरह इसका ये रेट है। तो ये आप ना 5 कैप्सूल इसमें ऐड कर दें तो बस 5 बहुत हैं इस एक मतलब क्रीम जो है बॉक्स के लिए। तो और ये है विटामिन ई के कैप्सूल, तो ये भी मैंने इसमें शेयर किए, मैंने 2 शेयर किए थे, सॉरी मैंने 2 इसमें ना ऐड किए थे और 4 वाइटनिंग के कैप्सूल ऐड किए थे और 2 जो है ना वो मैंने विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए थे। और ये ना इसलिए किए जाते हैं कि ना ये स्किन को ना ग्लोइंग करते हैं, तो उस वजह से ना इसमें आप मैंने इसमें 2 ऐड कर दिए थे। आप क्वांटिटी यही रखिएगा, क्वांटिटी से ज़्यादा या कम नहीं रखनी। और ना इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा क्रीमें नहीं ऐड होती हैं इसमें, बहुत कम 1 से 2 क्रीम ऐड होती हैं। और ना पर्सनली मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये बेटनोवेट एंड क्रीम है, जिनके स्किन पे दाने हैं या कोई निशान है या फ्रैकल्स हैं, तो उसमें बेटनोवेट एंड क्रीम आपको पता है कि ना ये ना डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये क्रीम लगा सकते हैं। तो मेरे घर में भी अगर किसी के फेस पे ना मतलब इस तरह के ना दानों वगैरह के निशान होते हैं तो ना मैं ज़रूर यही यूज़ करती हूँ, तो आप भी ये यूज़ करें। अगर नहीं है आप लोगों की चेहरा स्किन क्लियर, सिर्फ आपको कलर क्लियर करना है, ब्राइट करना है, तो फिर आप ये स्किप कर दें। तो मैं ज़रूर मैं ये करूँ क्योंकि ना मुझे थोड़ा फेस पर ना फ्रैकल्स का मसला है, और तो उस वजह से ना मैं ये इसमें ऐड करूँगी। पर आप स्किन का इसमें ना आपके जैसे मटर के दाने होते हैं ना इस तरह के, मतलब 2 दानों की तरह मतलब क्रीम ऐड करें, बहुत ज़्यादा मत करें। और ये है डर्मोवेट, सॉरी ये क्लोबीवेट है क्रीम, ये भी मैंने थोड़ी सी इसकी भी क्वान्टिटी सेम ही रखी हुई क्लोबीवेट की भी, तो ना इसकी भी क्वान्टिटी आप उतना ही ऐड करना जितना आपने ना डर्मोवेट एंड की है। तो आप तीनों की क्वांटिटी सेम ही रखना, बेटनोवेट एंड क्लोबीवेट और डर्मोवेट, इन तीनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। इतना कहने जितना एक छोटा चम्मच होता है ना उसका हाफ, एक ना छोटा टेबल स्पून जो होता है ना उसका हाफ आपको इसमें ऐड करना है, और ऐड करके कुछ तरीके से मिक्स करके और ना किसी भी एक अच्छे ना धुले व उसमें जार करना। और एक बात का आपको ख्याल करना है कि ये क्रीम जब भी आप बनाएं तो आप लोग ना स्टील की कटोरी में मत बनाएं इसको, ना कांच की कटोरी में बनाएं। और ना आपको सबसे बड़ी बात है स्टील का चम्मच भी यूज़ नहीं करना, आप इसे ना स्टिक होती है वो यूज़ करें, या फिर ना आप इसको ना किसी और लकड़ी की चीज़ से आप इसको यूज़ करें, क्योंकि मैंने इसमें ये स्टिक से यूज़ की थी
मैंने इसमें चम्मच वगैरह स्टील का नहीं डाला था, क्योंकि ना फिर हमारी स्किन वो चम्मच है ना स्टील का आपस में घिसते हैं, तो इस वजह से ना ये हमारी स्किन को ना रेशेस पड़ेंगे और वो रेशेस अच्छे नहीं है। तो आप किसी भी से एक क्रीम अच्छी सी साफ डिबिया में डाल के महफूज कर लें, आप इसको इजीली यूज़ कर सकती हैं। और आप यकीन से इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। मैं अभी वीडियो आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा बेहतर लेकर आऊँगी, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस बारे में चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ अच्छी वीडियो शेयर करूँगी ताकि आपका फ़ायदा हो। मैंने क्या वो चीज़ लेकर आती हूँ जिसमें आप सबका फ़ायदा हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगाने का तरीका कि आप रात को इसको ना मुंह धो के स्किन पर लगा लें और ज़ोर से मत लगाएं। लेकिन आप लोगों से इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।